हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स हाइपोथेलमस एंड पिची ग्लैंड पोलिकल स्टिपुलेटिंग हार्मोन एंड लिटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिंग एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या है जो प्रोड्यूस था एग्स एग प्रोड्यूस करना उसकी फर्टिलाइजेशन करना उसके बाद उसको इम्प्लांट करवाना दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब जितने भी ये फंक्शन है फीमेल स्पेशली जो रिप्रोडक्शन से रिलेवेंट फंक्शन होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हारमोन्स इसमें जो है वो हारमोनल लेवल जो हारमोनल कंट्रोल दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फीमेल रिपोडक्टिव सिस्टम जो इसमें जो हारमोनल कंट्रोल है दे आर स्टार्ट फ्राम द हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है मेल में भी हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है मेल फीमेल दोनों में स्टार्ट सेम है मेल में सिर्फ ये तब स्टार्ट होता है जब ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है और फीमेल के अंदर ये तब स्टार्ट होता है जब ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज करता है तो इससे तो अगर हम स्टार्ट लें तो सबसे पहले बात क्या होगी कि ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जब वो डिक्रीज करेगा एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने से हाइपोथैलेमस इट विल सेंस द ब्लड ब्लड को सेंस करेगा उसमें एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हुआ है तो ये हाइपोथेलमस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हम सिंपल जी एन आर एच भी बोलते हैं हाइपोथलमस से प्रोड्यूस होगा हाइपोथलमस के पास ही मौजूद है पिच्यूटरी ग्लैंड तो हाइपोथलमस से प्रोड्यूस होकर यह पिचुटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करेगा गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन जो है हाइपोथैलेमस की इफेक्ट की वजह से पिचुटरी ग्लैंड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स नंबर वन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड नंबर टू इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो फोलिकल स्टिब्यटिंग हार्मोन अगर हम बात करें तो जो फोलिकल स्टिबुलेटिंग हार्मोन जो कि पिचुरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा इसमें थोड़ी मकदार में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पैदा होगा ज्यादा नहीं होगा लो कंसेंट्रेशन होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेकिन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल ट्रैवल थ्रू ब्लड टू द ओवरीज ये ब्लड के थ्रू जो है ट्रैवल करके ओवरीज तक आएगा ओवरीज के अंदर आकर ये जो फोलिकल्स हैं जो इमेच्योर फोलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा इम मेच्योर फोलिकल को हम प्राइमोडियल फोलिकल्स भी बोलते हैं तो ये होकर उनको एक्टिवेट करेगा रिजल्ट ये होगा कि ये फोलिकल स्टिम्योलेटिंग हारमोन की वजह से फोलिकल डिवेलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी या फोलिकल डिवेलमेंट का आइए एग डिवेलपमेंट हम कह सकते हैं स्टार्ट हो जाएगी इसके साथ साथ ओवरीज विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन हारमोन्स तो ये एस्ट्रोजन हारमोन का प्रोड्यूस होना और फोलिकल्स की डिवेल्पमेंट ये दोनों काम जब वो फोल एफ एस एच की वजह से स्टार्ट होंगे अब एक फीमेल एक वक्त में एक एग जहाँ उसमें मेच्योर होता है लेकिन डिवेल्पमेंट जब वो ज़्यादा एग्स की शुरू होगी फिफ्टीन टू ट्वेंटी एग्स की डिवेल्पमेंट स्टार्ट होगी एक सक्सेसफुल रहेगा बाकी सारे सारे क्या करेंगे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाकर वट इज द जॉब ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन बेसिकली ओवरी से प्रोड्यूस होगा फोलिकल रिलेटिंग हारमोन के एक्शन की वजह से अब एस्ट्रोजन जो है इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है इसके क्या हम कहते हैं दो फंक्शन है नंबर वन एस्ट्रोजन ओवरी से ट्रेवल करके आएगा यूट्रस में और यूट्रस की वाल के अंदर सेल प्रो, की प्रोलीफिकेशन शुरू कर देगा यूट्रस की वाल को थिक करेगा नई ब्लड के वेजल्स बनेंगी नए सेल्स बनेंगे जो इस यूट्रस की वाल जो उसको थिक कर देगा जो एस्ट्रोजन जो है उसका इफेक्ट जो है वो सेकेंड वन एस्ट्रोजन जो है इट विल ट्रेवल टू द पिचुट्री ग्लैंड और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन की प्रोडक्शन को मजीद ट्रिगर करेगा ज़्यादा मिकदार में जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हारमोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हारमोन की जो ज़्यादा अमाउंट होगी ये इफेक्ट करेगी डिवेलपिंग फोलिकल्स को उनको ये राइपन करेगी ज़्यादा जल्दी उसको क्या करेगी मेच्योर करेगी तो फोलिकल्स के मेच्योर होने के प्रोसेस को या रॉपनिंग जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को ये क्या करेगा स्पीड अप करेगा लिप्टोनाइजिंग हार्मोन और उसके बाद फोलिकल के अंदर से एग को रिलीज करवाने में भी जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लिप्टोनाइजिक हारमोन का होगा और इसके बाद लिट्टोनाइजिक हार्मोन ही फोलिकल्स को कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर अब जो कार्पस ल्यूटियम है ये यह, यानी फोलिकल्स में से जब एग निकल जाएगा तो फोलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम में कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा नंबर वन प्रोजेस्टिडोन एंड नंबर टू एस्ट्रोजेंस तो प्रोजेस्टिडोन और एस्ट्रोजेंस का लेवल जैसे इंक्रीज करेगा ये दो काम करेंगे नंबर वन ये जो यूट्रस की वाल्स हैं उसको ये मेंटेन रखेंगे यानी उसको स्टेबल रखेंगे ताकि उसके अंदर जाकर जब जा वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके और दूसरा काम ये करेंगे कि ये पिचुटरी ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ जाकर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप करवा देंगे इन्हेबिट करेंगे अच्छा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं इनको स्टार्ट स्टार्ट किया था तो जब ये ज्यादा मिकदार में बन गए तो खुद जाकर ल्यूटनाजिक हारमोन को जो क्या करेंगे ये इनहेबिट करेंगे का हारमोन को भी ये इनहेबिट करेंगे तो ल्यूटनाजिक हारमोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन दोनों जो है वो उनकी इनहेबिशन होगी ड्यू टू प्रोजेस्टीरोन एंड द एस्ट्रोजेंस यहां अगर हम देखें ये पूरा एक साइकिल बताया गया सबसे पहले एस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजेंस क्या करेंगे ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजेंस जो है ये फीड पॉजिटिव मैकेनिज्म देंगे हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करेंगे और हाइपोथैलेमस के अंदर से प्रोड्यूस होगा गुनाडोड्रोपन रिलीजिंग हार्मोन गुनाडोड्रोपन रिलीजिंग हार्मोन पिछड़ी ग्लैंड के अंदर से फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करवाएगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे कि ओवरीज के अंदर से फोलिकल को डिवेल्प करवाएंगे और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाएंगे यही एस्ट्रोजन फिर जाएगा हाइपोथैलेमस में और हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो एस्ट्रोजेंस हैं इट इल वर्क टू द पिचुटरी ग्लैंड और पिचुटरी ग्लैंड के अंदर से ये क्या होगा इसका इफेक्ट ये होगा कि मजीद जो है वो ल्यूटिक हारमोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी ल्यूटनाइजिक हारमोन की प्रोडक्शन बढ़ने से ओवरीज पर इफेक्ट होगा और उससे ये होगा कि जो एग है वो रिलीज़ हो जाएगा और फोलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम के अंदर और फिर ये कारपस ल्यूटियम प्रोजेस्टीरोन पैदा करेगा एस्ट्रोजन पैदा करेगा और ये यही क्या करेंगे ये इनहिबिट करेंगे हैपोथेलमस और ग्लैंड से पैदा होने वाले हारमोन्स को जिससे ओवरऑल साइकिल ये नेगेटिव फीडबैक मेकनिजम के थ्रू जो कंट्रोल होगा